हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजाना फूड। आज हम आपके लिए राजस्थानी पितोड़ की सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे खाने के बाद आप जब बेसन की सब्जी बनाने की सोचेंगे इस सब्जी को ही बनाएंगे। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। पितोड़ बनाने के लिए मैंने आधा कप बेसन ले लिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इस कढ़ाई में पितोड़ बनाने वाले हैं, तो इसी के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे जलनी ली है मैंने, इसमें छान लेते हैं इसे, ताकि इसमें जो भी गुठलियां हो वो इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए, बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून मिर्च डाल देंगे। 1/4 टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। 1 टी स्पून मैं इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ। 1/2 टी स्पून मैं इसके अंदर अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/2 टी स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आधे कप बेसन में मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए, हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें लम्स नहीं है। अब हम इसे गैस पर पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई को। अब हम इसे लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमारा बेसन गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, हमने इसे लगातार हिलाया है। इसे हम 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए, गाढ़ा हो गया है हमारा बेसन। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थाली में जमाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे थाली पे निकाल लिया है। थाली पे हमने हल्का सा तेल लगा दिया था। अब इसे इस तरह से फैला देंगे। इसे ज्यादा पतला नहीं फैलाना है, ठीक ठाक मोटाई में फैलाना है। तो ये देखिए, हमने इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। इतनी देर में हम हमारी इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये हमारी कढ़ाई में जो ये बच गया है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये थोड़ा सा निकल जाएगा फिर पानी डालने से, और फिर इसे हम ग्रेवी में यूज में लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने 1 कप दही ले लिया है। इसे इसमें डाल दूंगी मैं बाउल में। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के बराबर हींग। 1/2 टी स्पून के बराबर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर लाल मिर्च। 1/2 टी स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर, और 1 टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, दही हमारा अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, ये तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। हम इसे सरसों के तेल में बनाने वाले हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 हरी मिर्च कटी हुई। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे हम। चार 5 लहसुन की कलियों को मैंने कूट लिया था, उसे भी डाल रही हूँ। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे हम। तो ये देखिए, 2-3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर ये दही वाला मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था, और इसे लगातार हिलाते रहेंगे। इसे हमें लगातार हिलाना है, वरना हमारा दही जो है फट जाएगा। हमें 3 से 4 मिनट तक इस दही को अच्छे से पकाना है।
दही को हमने अच्छी तरह से पका लिया है 2-3 मिनट तक। अब हम हमारी पितोड़ की चकलियां काट लेते हैं। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे काट लिया है, ये हम आपको उठा के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे काट लिया है। ये देखिए अब हम इसे मसाले में डालेंगे। ये देखिए ये हमारी खुरचने जो हमने पितोड़ की बनाई थी उसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, इससे हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर पतोड़ डाल देते हैं। तो हमने सारे पतोड़ इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। हमारी सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी पककर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये लीजिए पतोड़ की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारी राजस्थानी पितोड़ की सब्जी आपके लिए रेडी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।